So hey, welcome back guys. In today's video we are going to talk about the CSS. हम लोग ने इसके पहले HTML सीरीज़ पूरी की पूरी कंप्लीट की है. सो जिन जिन लोगों को HTML के बारे में नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है HTML क्या होता है, सो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट फॉर द CSS. सो आज के वीडियो में टॉपिक्स जो मैंने इंक्लूड किया में जस्ट इंट्रोडक्शन है. सो वॉट इज़ द CSS, वॉट आर द इट्स टाइप्स एंड वाई वी यूज़ दैट CSS, वॉट इज़ द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स एंड वॉट इज़ द आइडियल वे ऑफ यूजिंग द CSS. ओके, सो इन सब बारे में हम लोग बात करने वाले. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट. Okay guys, so here on the screen you can see that it's PowerPoint slide. Okay, so you can see what is the CSS. CSS is short form hai, or acronym we can say. CSS is an acronym for cascading style sheets. Okay, and CSS describes how the HTML elements are to be displayed on the screen, on the paper or in the other media. तो इसका मतलब क्या होता है, CSS एक ऐसी शीट है, ऐसा पेपर है जिसके अंदर पूरी स्टाइलिंग होती है HTML वेब पेज की. जब भी हम HTML लिखते हैं तो एक पूरा का पूरा स्केलेटन मिल जाता है हम लोग को. जैसे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग का बोन स्ट्रक्चर होता है और बोन स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी जो स्किन वगैरह है, हमारा जो शेप है, सो दैट्स ऑल इज बिकॉज ऑफ द CSS. हम लोग का जो लुक है और हम लोग बोन स्ट्रक्चर है उसको HTML कह सकते हैं. वैसे ही वेब पेजेस में HTML जो होता है वो इट्स लाइक अ बोन स्ट्रक्चर एंड CSS उसके ऊपर एक स्टाइलिंग देता है. सो CSS डिस्क्राइब करता है कि डिस्प्ले पे अदर मीडियाज कैसे डिस्प्ले होंगे. ओके, सो CSS इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन लेआउट एंड द वेरिएशन इन द डिस्प्ले फॉर द डिफरेंट डिवाइसेज एंड स्क्रीन साइजेस. ऑफ कोर्स, सो इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के लिए हम लोग को CSS का यूज़ होता है. द रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग इन द सेंस, जब भी कुछ वेबसाइट हम लोग देखते हैं तो वो डेस्कटॉप पे हम लोग को अलग तरीके से दिखते हैं और मोबाइल डिवाइसेस में अलग से दिखते हैं. सो वही हम लोग डिफरेंट स्क्रीन साइजेस में अलग अलग वेबसाइट कैसे पावरफुली दिख सकते हैं उसके ऊपर हम लोग CSS का यूज़ करके काम कर सकते हैं. और नेक्स्ट थिंग इज़ इट प्रोवाइड्स द पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. सो HTML डॉक्यूमेंट आपको कैसे प्रेजेंट करना है उसको प्रोफेशनली प्रेजेंट करने के लिए हम लोग को CSS का यूज़ होता है. तो CSS बेसिकली होता है थ्री टाइप्स का. सो हियर आर दिस थ्री टाइप्स विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट इज़ द इंटरनल CSS, सेकेंड इज़ द एक्सटर्नल एंड थर्ड इज़ द इनलाइन CSS. सो इंटरनल CSS क्या होता है, इंटरनल CSS में हम लोग जो CSS होता है ना वो हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं. सो हेड सेक्शन के अंदर लिखते समय हम लोग हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल टैग बनाते हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग पूरा का पूरा CSS लिखते हैं. एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, एक्सटर्नल CSS में हम लोग एक नई CSS फाइल बनाते हैं. जस्ट यू कैन से main.css. इसके पहले भी मैंने दिखाया है इसको कैसे लिंक करते हैं HTML के कोर्स में, यू कैन सी. सो एक्सटर्नल CSS बहुत लोगों को पता होगा कैसे करते हैं और लिंक एलिमेंट लिंक टैग हम लोग मेंशन कर देते हैं. सो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फॉर डिस्क्राइबिंग थ्री ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द CSS. ओके, अभी के लिए जस्ट आप पता कर लो कि क्या होते हैं ये तीनों. ओके, एंड थर्ड इज़ द इनलाइन CSS. इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि आप वही टैग में मेंशन कर सकते हो CSS. जैसे कि सपोज आप पैराग्राफ टैग लिख रहे हो और उसके अंदर कुछ लिख रहे हो तो वहीं पे आप डिफाइन कर सकते हो कि CSS इसको क्या देना है आपको. ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन, कुछ थियोरेटिकल पार्ट अबाउट द CSS. सो अभी कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिसमें हम CSS को समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो गाइज नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है और मैंने एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ है CSS कोर्स. आफ्टर दिस एवरी टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. ओके, इसमें मैं फाइल सब बनाऊँगा. सो सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि अपना index.html, क्योंकि CSS देने के लिए HTML की ज़रूरत है ऑफ कोर्स. और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, नो फाइल. ओके, जस्ट index.html फाइल. और अभी index.html में हम लोग लेंगे एक बॉयलर प्लेट, सेमी कॉलन दे देते हैं और इमेट एब्रिवेशन में एंटर कर दो या फिर टैब हिट कर दो, एनीथिंग यू वांट. ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ बिकॉज इसकी अभी ज़रूरत नहीं है भाई. सो टाइटल दे देता हूँ इसको CSS कोर्स. ओके, अभी इसको लाइव सर्वर में ओपन करते रहे, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर.
सो ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो चुका है और ये टोटली एम्प्टी है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं है इसमें बिकॉज मैंने कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। सो सबसे पहले एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ मैं, हेडिंग टैग। ओके सो हेडिंग टैग मैं लिखता हूँ दिस इज़ द हेडिंग। ओके सो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा दिस इज़ द हेडिंग और ये जैसे HTML अपीयर हो जाता है वैसे टोटली नॉर्मली अपीयर हुआ है यहाँ पे, इसमें कुछ भी CSS नहीं है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इनलाइन CSS में इसमें यूज़ कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी H1 के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ स्टाइल। ओके सो स्टाइल क्या होता है, CSS और एक सेमी ये ब्रैकेट्स। सो इसके अंदर अभी नाउ ये अभी मेरे को सपोज इसको कलर देना है रेड, तो मैं लिखूँगा कलर एंड रेड। सो नाउ यू कैन सी हेडिंग एक टोटली नाइसली रेड कलर आ चुका है हेडिंग को। और अगर सपोज मैं इसको करता हूँ फॉन्ट साइज सपोज मैं कर लेता हूँ इसकी 30 pixels। ओके समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके यहाँ पे हम आप लोग को जब भी हर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे ना, आप लोग को यहाँ पे सेमी कॉलन देना है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। ओके सो नाउ इसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो चुकी है, येस आई कैन सी दैट। और अगर मैं 100 pixel कर लेता हूँ ना, सो येस सो नाउ यू कैन सी ये बहुत बड़ा हो गया, एक्चुअली इतना बड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। सो लेट्स सो येस अभी आप लोग को समझ गया होगा कि बेसिकली क्या होता है CSS, क्या करते हैं CSS से। और भी चीज़ें बताऊँ तो अभी सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैं कुछ वर्ड्स ले लेता हूँ जो कि हम सब आपको तो पता ही होगा, लॉरेम 20-30 कुछ भी लो, टैब हिट कर दो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और आपका डॉक्यूमेंट हो गया फॉर्मेट यहाँ पे। एंड नाउ यहाँ पे एक पैराग्राफ है, मैंने इसको सेव कर लेता हूँ पहले। ओके सो पैराग्राफ वहाँ पे अपीयर हो चुका है। नाउ फिर से मैं यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल में अभी मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में सपोज दे देता हूँ एक्वा। सो एक्वा बैकग्राउंड कलर आ चुका है। सो आप लोग देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड कैसे यूज़ हेल्पफुल है, टोटली हेल्पफुल। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक किया ना, यहाँ पे ये सेमी कोलन अपने आप अपीयर हो चुका था। ओके सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी हैंडी टू डू द थिंग्स विद बाई यूजिंग द विजुअल स्टूडियो कोड। सो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो। अगर आपको ये भी नहीं जम रहा है तो आप यू कैन यूज़ द ब्रैकेट्स ऑल्सो। ओके सो ऐसे ही आप लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। और सपोज़ मैं यहाँ पे मेरे को बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देते समय बॉर्डर लिखना होता है आपको 1 pixels सॉलिड एंड इफ़ यू राइट ब्लैक एंड सो यस उसको बॉर्डर आ चुकी है। बहुत से लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मैं पैडिंग भी देता हूँ, सो पैडिंग भी दे सकते हैं यस हम लोग। सो अगर मैं पैडिंग देता हूँ 20 pixels की, तो इंटरनली एक गैप क्रिएट हो जाता है, अंदर से एक जो गैप क्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं पैडिंग। और अगर मैं मार्जिन दे देता हूँ, तो मार्जिन इज़ फ्रॉम द आउटसाइड लाइक आउटसाइड द बॉर्डर एंड पैडिंग इन पैडिंग इज़ आउटसाइड ऑफ द कंटेंट, ये डायरेक्शन में जाता है। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, बट ये सब एक एक कंसेप्ट मैं बाद में क्लियर करने वाला हूँ। बट आज के वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन है, सो इट्स इनफ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग। सो मैं एक वेबसाइट्स पे जाता हूँ लाइक w3schools.com। ओके सो सपोज नाउ दिस इज द होम पेज फॉर द w3schools.com। सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ द होम पेज। सो अगर मैं इस w3schools.com को अगर मैं यहाँ से मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ ना, जस्ट अ मिनट। ओके सो ये हो गया डेस्कटॉप वर्जन इसका। और अगर मैं इसको छोटा छोटा करते जा रहा हूँ ना, नाउ यस सो ये हो गया इसका टैबलेट व्यू, दिस इज़ द टैबलेट व्यू। जैसे कि टैबलेट्स में आप हम अगर आप विज़िट करोगे इस वेबसाइट को, तो आप लोग को ये व्यू दिखेगा। एंड इफ एस कीप स्मॉलिंग इट अगेन, सो ये होता है मोबो व्यू। अगर आप मोबाइल में विज़िट करोगे एंड्रॉयड फ़ोन्स या फिर आईफोन्स एनी मोबो फोन्स, सो आप लोग को ऐसे दिखेगी वेबसाइट्स। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग। डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन विथ
कंटेंट को एडजस्ट करना स्क्रीन विड्थ जैसे बढ़ती जा रही है। यू कैन सी यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट है जहाँ पे ये जो है साइड मेन्यू जो है वो डिसअपियर हो जाता है और वो सब इसके अंदर चला जाता है। ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सच वेबसाइट्स, क्योंकि विदाउट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग आजकल कोई भी वेबसाइट्स नहीं बनाता। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट योर वेबसाइट शुड बी रिस्पॉन्सिव। और एक लास्ट टॉपिक की हम लोग बात करने वाले थे कि मैंने तीनों तरह के CSS आप लोग को बताया, सो कौन सा CSS आप लोग ने यूज़ करना चाहिए, कौन सा टाइप का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को कहूँगा, अगर आप लोग का प्रोजेक्ट बहुत ही स्मॉल है, जस्ट लाइक मैंने जैसे यहाँ पे क्रिएट किया था लाइक दिस, अगर आप लोग को कुछ हेडिंग्स वगैरह करके दिखाना है प्रोजेक्ट्स में, सो इट्स ओके टू यूज़ द इनलाइन CSS, क्योंकि बिकॉज मैं इनलाइन CSS क्यों ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा गिचमिड़ जैसा हो जाता है, आप लोग को समझेगा भी नहीं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आप लोग को कुछ भी नहीं समझेगा कि किसने किसमें क्या किया है। ओके सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग का मीडियम साइज प्रोजेक्ट है सो यू कैन यूज़ इनलाइन CSS, इनलाइन नॉट इनलाइन इंटरनल CSS, जिसमें आप लोग यहाँ पे ऐसे स्टाइल टैग का यूज़ करके ऐसे इसके अंदर CSS पूरा लिख सकते हो। और अगर आप लोग को का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सपोज ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर टू यूज़ द एक्सटर्नल CSS, और मैं हमेशा वही प्रेफर करता हूँ। अगर मीडियम साइज प्रोजेक्ट भी हो या फिर बिग साइज प्रोजेक्ट भी हो, मैं वही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इट्स बेटर कि सभी चीज़ें अलग अलग हो। और याद ठीक ये रखना है कि सब एक ही फोल्डर में हो। ओके सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सो आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, आप लोग को CSS से इंट्रोड्यूस मैंने पूरी तरह से कर दिया है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले मेरे न्यू वीडियोज़ पे। ओके सो प्लीज़ कर देना। नेक्स्ट आफ्टर दिस वीडियोज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस CSS ट्यूटोरियल्स, सो कीप कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। With the